नंद के लाला की, गिरिराजी महाराज की, राधे रानी की, यमुना मैया की, गौ मैया की, संत भगवान की। आज बहुत परम सौभाग्य हम सभी ब्रजवासियों का है, हम सभी भारतवासियों का है कि आज हमारे जाड़े में भगवान श्री कृष्ण यशोदा नंदन, नंद के लाला, देवी के नंदन, आज उनको जन्म उत्सव है और पूरे ब्रजवासी पूरे हर्ष उल्लास के साथ अपने लाला को जन्मदिन मना रहे हैं। और ब्रजवासी ने और बड़ो आशीर्वाद है कि हम परम सिद्धे अपने श्री संतों की चरणों में हमेशा ब्रजवासी मग्न रहे। आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे परम पूजनीय श्रद्धेय नृत्य गोपाल दास जी, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे परम पूज्य शरण महाराज जी, सभी मंच पर विराजमान वरिष्ठ जन और यहां इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण के भक्त, आप सभी के चरणों में मैं नमन करता हूं। आप सबको जय श्री कृष्ण करता हूं। और हम सब ऐसे ही अपने लाला को जन्मदिन मनाते रहे, क्योंकि देखो ये ठाकुर जी की बड़ी असीम कृपा है कि ठाकुर जी सबकी चिंता करें पर ब्रजवासी सब मिलकर ठाकुर जी की चिंता करें। बाकी सुबह को नाश्ता को प्रबंध करें, सर्दी में गर्मी में लाला जाड़ो ना लग जाए, गर्मी में लाला झांक ना लग जाए, टाइम पे लाला को भोजन है जाए, टाइम पे लाला के शयन हो जाए, ये सब परम सौभाग्य ब्रजवासियों को ही प्राप्त है। तो ये भगवान कृष्ण की पवित्र भूमि है, हम सब ब्रजवासी धन्य हैं। रसकान जी ने तो कहा था कि किसी भी स्वरूप में अगर ब्रज का आपको निवास मिले तो आप धन्य हैं, और हमें तो लाला के सखा के रूप में यहां जन्म मिलो है, तो हम तो बाकी हमेशा आभारी रहेंगे, बाकी पति कृतज्ञ रहेंगे। और ज्यादा कृष्णा है कि मैं कि कहूंगो कि अब तो ऊपर से नीचे तक लाला के समर्पण की सरकार है। हम सबके हृदय में हमारा लाला विराजमान है, परम पूज्य संतों का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है। और आज मैं विशेष कुछ नहीं कहूंगा बल्कि यही कहूंगा कि संपूर्ण ब्रज का विकास, चहुमुखी विकास, यमुना मैया का शुद्धिकरण, सरयू मैया का शुद्धिकरण, ये सब हमारी प्राथमिकता में है। ठाकुर जी के आशीर्वाद के साथ साथ मैं अपने परम पूज्य सभी संतों का भी आशीर्वाद हमें लगातार मिलता रहे। और मैं अपने आज के शुभ अवसर पर अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने 350 करोड़ का लाला के जन्मदिन पर तोहफा दियो है, इन्हें तोहफा दियो है, और हम सब ब्रजवासी मिलके इन्हें रिटर्न गिफ्ट दें। और रिटर्न गिफ्ट क्या होगो, रिटर्न गिफ्ट होगो कि हम अपने ब्रज साफ रखें और साफ रखने में सहयोग दें। हम सब इस बात की प्रतिज्ञा करें कि हम अपने ब्रज ना तो गंदो करेंगे और ना गंदो होने देंगे। पोलोथीन प्लास्टिक पर प्रतिबंध सरकार ने लगाया है, पर जब तक मन पे हम वहां पर प्रतिबंध ना लगाएंगे, जब तक प्लास्टिक पोलोथीन पर प्रतिबंध ना लगे, देख रहे हैं? तो आज सब प्रतिज्ञा करें कि हम प्लास्टिक पोलोथीन पर प्रतिबंध लगाएंगे, अपने ब्रज साफ सुथरो रखने में सहयोग करेंगे। प्रतिज्ञा ले सके तो बोलो राधे राधे बोलो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, एक बार सब जय घोष करेंगे। फुल वृंदावन बिहारी लाल की।